बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। बीते कुछ दिन पहले वो एक्टर दिलीप कुमार पर दिए अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए थे। दरअसल आपको बता दें कि दिलीप कुमार के लिए लिखे लेख में नसीरुद्दीन शाह ने लिखा था कि यह समझ से परे है कि ऐसे बेदाग शिल्प वाले एक्टर जिनकी उपस्थिति किसी फिल्म को ऊंचा उठाने के लिए काफ़ी होती थी, जिसको एक प्रोजेक्ट के लिए केवल सिर हिलाना होता था, जिसे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति था उसने खुद के लिए सेफ गेम खेलना चुना। नसीरुद्दीन शाह ने दिलीप कुमार के लिए लिखे लेख में आगे कहा था कि उन्होंने एक्टिंग से इतर कुछ खास नहीं किया। अपनी इस लेख को लेकर अब नसीरुद्दीन शाह फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार पर लिखे लेख पर चर्चा की और कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कहा। नसीरुद्दीन शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो भी दिलीप कुमार के लिए मेरे द्वारा लिखी गई बातों से नाराज़ है, उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा होगा और ये महसूस भी किया होगा कि उनकी एक्टिंग के लिए मेरी सराहना कम नहीं है, मेरी शिकायत का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि लोगों का रिएक्शन उस जगह के लिए देखने को मिला जो मेरे लिए मायने नहीं रखती। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में आगे कहा कि मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था, अगर मेरा इससे कोई मतलब नहीं होता तो मैं ये बातें नहीं कहता। नसीरुद्दीन शाह ने कर्मा फिल्म के दौरान अपने और दिलीप कुमार के बीच हुए झगड़े की अफवाह को भी साफ किया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि शूटिंग के दौरान हमारे बीच जो समस्याएं आई थी जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ, वह सभी मीडिया और कुछ निहित स्वार्थों की देन थी जिन्हें हमारे साथ काम करने को एक द्वंद्व बनाकर रखा गया था, जबकि असल बात यह है कि हमने जो सीन साथ में किए हैं उसके लिए भी हमारी मुलाकात बहुत मुश्किल से होती थी। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सरफी की रिपोर्ट।